और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं माइक पे आके कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका हमारा दिमाग हैक कर लेगा। अरे यार, अमेरिका के पास दिमाग की कमी है कि तुम नारा बांधने वालों का दिमाग हैक करेगा? चाइना ने देखा कि ससुरा कभी ना कभी मुद्दा उठाएगा, इसलिए 62 में भारत पे हमला कर दिया और भारत का ही अक्साई छीन ले लिया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, परिवार और मजहब जिस दिन आपके बिजनेस के सामने आ गया, आपका बिजनेस डूब जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते वही क्या बन गए? बीटो वाले देश। कौन देश बन गए? बीटो वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था। अब जब यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था तो उसे ले आना बहुत जरूरी था, ये जिम्मेदारी भारत को दी गई। भारत चाइना को यूएनओ का सदस्यता दिलाया था और भारत को वीटो पावर मिल रहा था, चाइना को नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय शर्त यह थी कि भारत को यूएनओ का बहुत ज्यादा खर्च उठाना था, लगभग 7-8% उठाना रहता था, ज्यादा परसेंटेज उठाना था। अब उस समय उतना पैसा था नहीं, आज के वक्त में तो उठा ये नहीं पाते हैं, उस समय के क्या उठा पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये चाइना को दे दिया जाए, हम ज्यादा बीटो हम ज्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, ये पैसा खर्च नहीं उठा पाएंगे। इसी का फायदा उठाकर 1959 में चाइना ने किस पर हमला कर दिया? तिब्बत। किस पर? तिब्बत। अब तिब्बत का मैटर उठाने की नैतिक जिम्मेदारी भारत को है, क्योंकि पड़ोसी ही उठाएगा उस मैटर को। तो चाइना ने देखा कि इस ससुरा कभी ना कभी मुद्दा उठाएगा, इसलिए 62 में भारत पे हमला कर दिया और भारत का ही अक्साई छीन ले लिया। अब चाइना क्या फायदा क्या हुआ? अब भारत तिब्बत की बात ये नहीं करता है, अपना बात करता है, हमरा छोड़। तू कहेगा ना छोड़ेंगे, हमरा छोड़, कहेगा ना छोड़ेंगे। तिब्बत का मैटर खत्म हो गया, तिब्बत का मैटर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब भारत को उस समय वीटो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सबसे पहला चीज कि ले लेना चाहिए, लेकिन उसके कुछ लॉस भी है, केवल प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। जब आपके पास वीटो होता है तो किसी के लिए अगर आपने वीटो का प्रयोग कर दिया, वह देश तो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा देश क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दुनिया का एक हिस्सा को नाराज करके, एक हिस्सा को खुश करके आप सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहता है अमेरिका, ईरान और अमेरिका में क्या है? दुश्मनी है। तो ईरान पर प्रतिबंध लगा देगा तो ईरान का कोई पेट्रोल नहीं खरीद पाएगा, और ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पेट्रोल है। अब ये बताइए, ईरान को बचने का एक ही रास्ता कि ईरान के प्रस्ताव पे कोई ना कोई क्या कर दे? बीटो। अमेरिका क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध। इंग्लैंड क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध। आपका फ्रांस क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध लाना चाहता है। अब उसको ईरान को बचाने का क्या रास्ता है? बीटो कीजिए। लेकिन जो ससुरा बीटो करेगा उसका खड़ा दुश्मनी किससे होगा? अमेरिका और यूरोप वालों से हो जाएगा। अब बताइए, अगर उस समय भारत के पास बीटो रहता और तब ईरान बड़ी उम्मीद से कहता भारत से कि हमको बचा लीजिए वीटो करके, तो अगर भारत ईरान को वीटो करके बचा लेता तो भारत के पीछे कौन पड़ जाता? हमें। तो सोच बबुआ कितना खतरनाक हो जाता। और वीटो नहीं करता तो ईरान से खुला दुश्मनी हो जाता कि तुम रह के हमरा तुम नहीं कर रहा है तो हम तुम्हारा बदले काहे तुम्हारा साथ देंगे, चाइना और पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे देंगे। और कोई भी देश यही ना कहता है कि जो हमारा देश का साथ देगा हम उसी का साथ देंगे। अब सोचिए, जरा ईरान अगर पाकिस्तान और चाइना का साथ देने लगे तो यह त्रिकोणीय एक समीकरण नहीं बन जाएगा, भारत गिर जाएगा इस साइड में। तो बड़ा खतरनाक चीज होता है वीटो। तो ये वही रख सकता है जो शक्तिशाली हो। वीटो मतलब समझिए बंदूक, सबके घर में होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही अगर चाइना को कहिएगा, चाइना वीटो कर दिया ईरान के फेवर में, अमरीका कहा गलत की हो तो कहा आप हरिया लेते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस ने भी वीटो कर दिया किसको बचाने के लिए? ईरान को। ईरान खुश हो गया, किसी दूगो आ गया बचाने के लिए, जबकि एक देश बहुत है किसके लिए? वीटो के लिए। अब उसको बचाने कितना आ गया? दूगो। ईरान एकदम खुश हो गया, ईरान रूस को पूरा अच्छा से, ईरान और चाइना में क्या हो गया? अच्छा से जमने लगा। अब चाइना कहा कि देख, हम तुमको बचाने के लिए वीटो किए हैं ना, अमेरिका से लड़े हैं ना, तुम भारत को चाबहार बंदरगाह मत देना। तो ईरान ने कहा तो हम दे दिलियो बहुत पहले। समझ में गया कि नहीं? वो तो हम बहुत पहले दे दिए हैं। तो कहा ठीक है, अब आगे का कोई मत देना। कहा ठीक है, आगे का नहीं देंगे। तो देखिए, वीटो से प्रॉफिट भी है और वीटो से लॉस भी है। आप पंचायती तभी कीजिए जब आप सक्षम हो। गांव का छोट मोटा आदमी पंचायती करेगा तो पिटा के चलाएगा पंचायतें पिटा के चलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा पावर होना चाहिए कि एक साथ दोनों भर के तो दोनों को दू दू दा देर उजियार बनेगा यहाँ पर। समझ में आ गया? तो अभी भी भारत ना न्यूट्रल नहीं हो पाता, अभी भी भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता है।
हम लोग राफेल खरीदने के लिए फ्रांस पे डिपेंडेंट, आज हम लोग कभी भी फ्रांस से नहीं उलझ सकते। रीजन क्या, राफेल का पार्ट पूर्जा छोड़ देगा, क्योंकि कोई भी जहाज अगर 12,000 घंटा उड़ गया तो उसका इंजन चेंज होना ही है, और जहाज में सबसे बड़ा हिस्सा इंजन होता है, इंजन गया जहाज खत्म। तो जो भी जहाज होता है 3 साल में उसका इंजन चेंज हो जाता है, प्रतिदिन उसको 1 घंटा उड़ाना है, नहीं उड़ाइएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। किसी दिन एयर शो हो गया तो ज्यादा उड़ाना है, यानी अमूमन साल में 500 घंटा वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो कोई 6,000 घंटा पे चेंज होता है, तो कोई 3,000 घंटा पे चेंज होता है, अब राफेल है तो शायद वो 5,000 घंटा पे चेंज हो जाता है। तो 5,000 घंटा का मतलब आपका समझिए मोटा मोटी 3 साल में इंजन चेंज करना है, इंजन बनाने की हमारे पास क्षमता ही नहीं। कभी हम लोग फ्रांस से ऐठेंगे, नहीं ऐठेंगे, यही तो ऐठ रहा था पाकिस्तान, फ्रांस से खरीदा था मिराज जहाज, ऐठ रहा था, फ्रांस का इंजन नहीं देंगे, उसका सारा मिराज जहाज रखा हुआ है, हाँ पाकिस्तान का रखा हुआ है। बाद में उसको पता चला यार ये हम लोग तो उससे कुछ सामान खरीदे थे। इन चोटों को कभी देखिए, हमेशा याद रखिएगा, परिवार और मजहब, जिस दिन आपके बिजनेस के सामने आ गया आपका बिजनेस डूब जाएगा। बिजनेस इन द सेंस का मतलब होता है जिस काम के लिए आप प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रोफेशन मेरा क्या है, टीचिंग। जिस दिन हम अपना धर्म और अपनी परिवारवाद को आगे करेंगे उस दिन हम चौपट हो जाएंगे। आप कभी देखे ये सब चीज हमारे में कोई मतलब, आधा तो दुनिया कंफ्यूज है कि आदमी कौन जात का है, और क्या भूमियार लोग हमको भूमियार समझता है, और भूमियार कई जगह हमको जाते लोग कहते हैं भूमियार है कांसो, कोई अमित सिंह कहता है, समझ में आ गया कि नहीं, कोई जालिम खान कहता है, अलग अलग जगह पे कंफ्यूजन में रहता है। तो हमेशा याद रखिए आपके प्रोफेशन पे दो चीज कभी नहीं आना चाहिए, आपका परिवार और आपका रिलीजन। आ गया ना तो चौपट हो जाएगा, पाकिस्तान क्यों चौपट हो गया, क्या आ गया था, रिलीजन, क्या गया था रिलीजन, भारत में कांग्रेस पार्टी क्यों चौपट हो गई, परिवार आ गया था, क्या आया था, परिवार, समझ में गया। श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया, उसमें दोनों चीज आ गया था, महिंद्रा राजपक्षे का पूरा परिवार आ गया और उन्होंने धर्म को थोप दिया, पूरी तरह से किसको थोप दिया, धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या कर दिया, आगे कर दिया। तो ये कभी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्यों चौपट हुआ, वहां परिवार नहीं आया, धर्म आ भी हो गया। इस चीज को समझिएगा ध्यान से, जो भी आप किसी भी चीज को देखिएगा, जो भी आगे गया है वो कभी इन दो चीजों को साइड में रखता है, परिवार और धर्म, घर के अंदर की चीज है। जिस दिन घर के बाहर आते हैं तो परिवार और अपना धर्म घर में छोड़ के आइए, और पूरे खुले दिमाग से आप अपने काम पर फोकस कीजिए। लेकिन ये पाकिस्तान चोट्टा को क्या समझ में है, पढ़वे कितना अक्षर करता है, मीडिया वाला दिखा रहा था, मेरे दादाजी का नाम नवाब है, हम यही सोचा कोनों का हमारा दादा बना दिया कुछ कुछ बता देता है सब। आगे देखते हैं हम लोग, वीटो लेना मतलब खुला दुश्मनी ले लेना। अब बताइए अगर यूक्रेन के मैटर पे वीटो रहता हमारे पास, अगर हम यूक्रेन पे वीटो लगा देते तो रूस खुश हो जाता, वो अलग बात है कि रूस के पास खुद ही वीटो है, लेकिन रूस खुश हो जाता कि नहीं। अब खुला दुश्मनी किससे होती है, अमेरिका, बोइंग जहाज अमेरिका से आती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रूस से पूरा पार्ट पुर्जा बंद कर दिया, वहां की जहाज नहीं उड़ रही है, जहाजों में हमेशा मेंटेनेंस चेकअप होता है, तो चाइना से मांगा कि तेरे पास भी बोइंग जहाज है ना, तो का कुछ पार्ट पुर्जा हमरा दे दे, तो चाइना का ना दे तो भारत दिया चुप्पे चुप्पे। जहाज जब उड़ती है तो हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट ना हल्का सा रिप्लेस होता ही रहता है, कभी उसमें 2,000 पार्ट पुर्जा होता है, अगर एक को गड़बड़ी हुआ तो जहाज को ग्राउंड करना पड़ेगा, नहीं उड़ सकते हैं वहां पर। लेकिन भारत क्या कर रहा है, दे रहा है उसको पार्ट पुर्जा दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वीटो कितना खतरनाक चीज है, अगर वीटो लड़ा दिए तो वीटो मतलब पंचायती, बताइए आप दो आदमी के लड़ाई में पंचायती करते हैं तो सोचिए दो गो देश में पंचायती कितना है। लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए, रीजन क्या है कि अगर आज हम पीओके पे कब्जा कर लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर वीटो पावर रहेगा तो आज एक आजा कश्मीर का मुद्दा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन केवल कश्मीर मुद्दा के लिए आप इतना बड़का रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए, जिसके कुछ रीजन है समझिए। यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए, पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत। हालांकि हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना के पास है, लेकिन चाइना लोकतंत्र तो है नहीं, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को ही वीटो नहीं दिया गया। यूएनओ कहता है कि जो भी इसके संस्थापक सदस्य हैं वह उसे यूएनओ ज्यादा तरजीह देगा, महत्व देगा। तो भारत आजाद हुआ था 1947 में और सदस्य बन गया था 1945 में,
यानी आजादी से पहले हम लोग सदस्य बन गए थे, हम लोग यूएनओ के सदस्य नहीं, यूएनओ के संस्थापक सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है, केवल मेंबर नहीं है फाउंड। और हम ही लोग को अस्थाई सदस्य नहीं दिया है, बताइए हम लोग को क्या चाहिए अस्थाई सदस्य, क्या अस्थाई दिया है, नहीं दिया। और भी यूएनओ क्या कहता है, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए कोई एक इंसान 700 करोड़ के आबादी वाले देश में कह दे कि भारत ने आतंकवाद को कभी बढ़ावा दिया है, कभी नहीं दिया है भारत ने आतंकवाद को बढ़ावा। तो भारत आतंकवाद से पीड़ित है और दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाना है ऊपर वाले के पास क्या कर देता है, पहुंचा देता है। भारत पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? यूएनओ कहता है कि कहीं पे भी अगर मानवीय जरूरत पड़ेगी तो देश को आगे आना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा हमारा दुश्मन बन रहा था उसको भी मानवीय जरूरत में भारत ने मदद किया, मालदीव जैसे देशों में मदद किया, पोलैंड जैसे देश को मदद किया, यूगोस्लाविया में सरकार गिर गई थी उसको मदद किया था, नेपाल को मदद किया। इस समय में भी यूक्रेन में जितने सामान जा रहे हैं कहां से जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं। पूरी दुनिया कहां डंप कर रही है, भारत में, और भारत के दिल्ली एयरपोर्ट से सामान कहां जा रहा है, यूक्रेन। बाकी लोगों के ऊपर हिम्मत नहीं है भेज देने का, समझ में आ गया कि नहीं, क्या कहां से जा रहा है, भारत से। तो इतना सारी जिम्मेदारी है भारत के ऊपर, संस्थापक सदस्य। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पोलियो का वैक्सीन जाता है कहां से जाता है, भारत से। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं, सोचिए। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का सबसे ज्यादा सप्लाई कौन किया, भारत किया। चाइना का वैक्सीन काम ही नहीं कर रहा, और परीक्षण किस पे किया है, पाकिस्तान पर, कोई उसमें खरीदे नहीं रहा, सोचिए परीक्षण कहां किया है। अब आप बताओ कोई भी देश दवा का परीक्षण कहां करेगा, अपने देश में, और किस देश में किया है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं माइक पे आके कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका हमारा दिमाग हैक कर लेगा। अरे यार अमेरिका के पास दिमाग की कमी है कि तुम नाड़ा बांधने वालों का दिमाग हैक करेगा, आता क्या है तुम लोग को, नाड़ा बांधने के सिवा पाकिस्तान को क्या आता है, और उनका दिमाग हैक करेगा। सोचिए पाकिस्तानियों का क्या करेगा, दिमाग हैक करेगा, क्या करेगा, उसको बम चलाना सीखना है, पाकिस्तान का दिमाग हैक करेगा वहां पर, बताइए, ध्यान समझिए। तो भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरी दुनिया को जब भी सेना की जरूरत होती है कौन सप्लाई करता है, भारत। तो बताइए भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं?